तो कब पंडाल में जाते ही नहीं जाते, चंडाल कब पंडाल में नहीं जाते, और जो एक बार पंडाल में आ जाए वो चंडाल नहीं बनेगा, ये घटिया वाले हनुमान जी की गारंटी है। बस एक बार पंडाल में आ जाओ तुम चंडाल नहीं बनोगे। देखो सीधी बात ये है, साहेगढ़ में यज्ञ हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है, ये सौभाग्य की बात है कि नहीं है। यहां इतना बड़ा कार्य हो रहा है, ये सौभाग्य की बात है, और तुम लोग घटिया चढ़ आए ये परम सौभाग्य की बात है। यज्ञ हो रहा है ये सौभाग्य की बात है, तुम घटिया चढ़ आए परम सौभाग्य है, आके कथा में बैठ गए जो महासौभाग्य है। न क्यों घटिया चढ़ के मेला ही में फेरा था, घरे चले जाए बताओ। यज्ञ होना सौभाग्य, तुम घटिया चढ़ आए महासौभाग्य, यहां आके बैठ गए परम सौभाग्य। वो कथा की एक बात न मानियो जो तुम्हारा दुर्भाग्य। ऐसे बड़ो कई आदमी कहता आज मजा आ गया आज की कथा में, बोले काय, अरे बोले कमाल की कथा कर रहे महाराज, एक नंबर की कथा हो रही। बोले का सुनाई, बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है यार, कथा एक नंबर की कर रहे, खबर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए दो यहां फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कथा कैसी हो रही, एक नंबर की, अब हम खबर नहीं है एक सब के है। खबर नहीं है एक शब्द की, जरूरी नहीं कि तुम पूरी कथा सुनो, तुम तो रोज सत्संग से सिर्फ एक बात अपने जीवन में ले जाओ, वो एक बात तुम्हारा बेड़ा पार कर देगी। सिर्फ एक बात तो मानो, ऐसे बैठे से कच्छू नहीं होए, ऐसे तो तुम्हारे कब से बैठ रहा है कथा में बताओ। ऐसे याद आदमी तीर्थों का बदे दाए, ऐसो नक सायगढ़ से गंगा जी ने जात होंगे, हर साल 2-500 तो जात होंगे, कितने सुधर गए लौट के हमें तो जा बता दे, कितने सुधर गए, 10-20 बाबा भाई लौट के। अरे ते तो ठीक है बे, उतना ही नहीं सुधरे, संगवारो नहावे गो जो नोकवाटो निकाल ले बोरी में से, हमारी ना भर से तो कुंभ सफर रहा है बताओ। ऐसे भजन से कछु नहीं होने बन जाए, ऐसी तो तुमने आरती गाती जो पूरे गांव के, कही ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, और जैसे ही लेना तो आदमी जोर से बोलने लगा जैसे भगवान काम ने सुना थो, कही सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का, अच्छो पैसा दे दे भगवान, और कबो बीमार हुआ मैं यही जुगाड़ में नहीं लगे सब, के सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा, ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, वो के पैसा नहीं रहे, फिर वो हमसे पैसा मांगे हम दे दे, ने चुका पे सो हम घर लिखवा ले। ऐसो भजन चल रहा है, ऐसे भजन से का मतलब न करना, ठाणे है मंदिर में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा गा तो, अरे कहूं अब यज्ञ कमेटी बारे कह देवे कि यार बड़ो है कार्यक्रम, कछु रसीद कटवा लियो, कहो जे कान पकड़े कल से यज्ञ में नहीं आए, न तेरा तुझको अर्पण का हो रहा है वैसे बताओ, कछु मतलब न कर रहा हो।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरोवर बनाया। सरोवर के चार घाट होते हैं, ध्यान से सुनना, रामायण में चार घाट हैं कि नहीं? एक ज्ञान का घाट है, एक कर्म का घाट है, एक भक्ति का घाट है, और एक शरणागति का घाट है, और एक मझघटिया संसार है। पांच घाट है, और पांचों घाट पे कथा हो रही है। ज्ञान के घाट पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कर्म के घाट पर जागबलिक जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, भक्ति के घाट पर कागभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, शरणागति के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी कथा गा रहे हैं, और हम जैसे भक्त सुन रहे हैं, और मझिया मझघटिया सरकार के यहां हनुमान जी कथा कर रहे हैं, और साहेगढ़ वाली कथा सुन रहे हैं। पांच घाट हो गए कि नहीं हो गए? किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि जहां तला होता है वहां जंगल होता है, तो क्या राम कथा में जंगल है? बोले बिल्कुल है, राम कथा में जंगल है। रामायण में जंगल पढ़ो के ग्रह कारज नाना जंजाला उते अति दुर्गम शैल विशाल। किसी ने गोस्वामी जी से कहा तो एक और बात बताओ, सरोवर में हंस होते हैं, क्या राम कथा में हंस हैं? गोस्वामी जी बोले नहीं है। तो फिर बोले काय को सरोवर, जब हंस नहीं है तो काय का सरोवर? गोस्वामी जी बोले ध्यान से सुनो, इस सरोवर में हंसों की औकात नहीं किया जाए, फिर इसमें कौन आता है? बोले इसमें हंस नहीं, ऐसे परम हंस आते हैं कथा सुनने के लिए। ये परम हंसों की संगीता है, हंसों की संगीता नहीं है। तो रामचरितमानस, अब बात यहां से भी समझ लो, रामचरितमानस राम जी ने जो चरित्र किया है वो मनुष्य करे, इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर राम को भी मनुष्य बनना है तो पहले चरित्रवान बनना पड़ेगा। पैसा जाए कभी मत सोचो, पैसा जाए कभी मत सोचो, आज गांव है कल फेरा है, समय चलो जाए तो जरूर सोचियो, कितनो अच्छो समय चलोगा जीवन में, अब लौट के नहीं आने। पैसा जाए कभी मत सोचो, समय जाए तो सोचो, और अगर व्यक्ति का चरित्र चला जाए तो उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए। रावण ने यही बात आखिरी में राम जी से पूछी थी, जब रावण बिल्कुल जीवन की अंतिम यात्रा के लिए तैयार है, और उसी समय राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, रावण बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञाता है, शत्रु अपनी जगह है, पर उससे कुछ शिक्षा ले आओ। लक्ष्मण जी गए, रावण को हाथ जोड़े प्रणाम किया और कहा, महाराज रावण भैया ने भेजा है, कुछ शिक्षा दो। रावण कहता है, लक्ष्मण पहली शिक्षा यह है कि कभी शत्रु पे भरोसा मत करना। पहली शिक्षा। बोले क्यों? रावण बोला, ठाकुर अभी मैं मरा नहीं हूं, और तुम हमारे बगल में निहत्ते खड़े हो, तुम हमारे दुश्मन आओ, हम चाहें तो अभी भी तुम्हारी गर्दन काट सकते हैं। कैसे मरे तो है नहीं, और तुम निहत्ते आ गए और हमारे बगल में खड़े हो गए। लक्ष्मण को हंसी आ गई कि मार तो राव है, बातें भी यही कर रहा हूं मनु, रावण तुम हार गए
रावण कहता है कौन कहता है मैं हार गया, तुम्हारे भैया से पूछो कि जीत किसकी हुई है। लक्ष्मण, जीत रावण की हो गई इस युद्ध में। बोले कैसे? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे जीते जी मैं राम को कभी लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा, क्या तुम्हारे भैया हमारी चौखट लांग पाए, बताओ हमारी जिगत जा पाए। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे जीते जी राम कभी लंका में नहीं आएंगे, पर लक्ष्मण मैं तुम्हारे भैया राम के सामने उनके धाम को जा रहा हूं, अगर उनमें ताकत है तो मुझे रोक के बता दे। जीत तो मेरी हुई है, इतने में राम जी भी आ गए, इतने में राम जी भी आ गए। क्या बात है लक्ष्मण, भैया जो रावण के रो हम जीत गए। राम ने कहा हाँ उसकी विजय हुई। रावण ने कहा रही सरकार वो तो हम कह रहे थे, पर जब आप आ गए हो तो मुझे एक बात बता दो आज। बोले क्या? राम के धन बे भाव पल में मेरी तुमसे अधिकाई है, पर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। राम हमारी तुम्हारी अगर तुलना करी जाए तो हम और तुम कहूं से कहूं तक नहीं है। अगर तुम कुल की बात करो तो हम भी हल्के कुल के नहीं, उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती, हम तुमसे कुल में बड़े। तुम अगर जात की बात करो तो हम तुमसे जात में बड़े, तुम क्षत्रिय हम ब्राह्मण। अगर तुम शरीर की बात करो तो हम वो में भी तुमसे बड़े, तुम्हारे ना एक मूड़ हमारे ना दस, तुम्हारी दो आंखें हमारी बीस। कारी भारी टेंशन बना तो जरा उड़को नहीं, करोटा के भर दसो ही नहीं पात हो जरी नहीं, खेत में बखर सो धरो रे तुझे, बताओ कैसे सो तू जरी करोटा के भर। अच्छा पन तो जैसे उल्टे सोने तो मई के मई लुढ़क जा सोताई में, मेरे वो कैसे लुढ़का तुझे, पहले सीधो खड़ो हो तुझे फिर उल्टो सो थुजे, फिर जब रात में सीधो सोने सो फिर खड़ो हो थुजे आ फिर सो थुजे, भारी खिल खिल रिकाय। अच्छा रिकाय रे जब रो थुजे जब कैसो लगा थुजे पन में सो दस मोसे खट्टो। अच्छा सबसे ज्यादा टेंशन रे थुजे मंदूदरी को, मूड पर आ थुजे छह नंबर को, दवाई धर दी तुझे दस नंबर पे, पहले बताने हो तू क्या कह के नंबर को सिर दर्द हो रहा नहीं है। अच्छा महाराज जी बात बताएं, रावण ने गलत काम इसे करे उनको बैलेंस खराब होता, अगर ग्यारह मूड़े होती तो बैलेंस बन जातो, एक पांच पांच दो तरफ सदी देती बराबरी से, अब वो के हती दस सो एक, एक तरफ चार एक तरफ पांच सो वो नौ झोंको दे थुजे एक कर नंगा थुजे सो वो एक कर नंगा तो सो ने काम भी जितते करे एक कराई एक कर करे नहीं करे। रावण कह रहा है राम मैं तुझसे कुल में बड़ा, जाति में बड़ा, शरीर में बड़ा, अगर तुम संपत्ति की कहो तो तुम्हारे घरे सोनो हुए, हम आओ घरे ही सोने को बनो, तुम वो में भी पीछे। तुम अगर जा कहो कि हमारे संगवारे तो हमारे तो ऐसे ऐसे संगवारे हते के कलेवा में बीस बंदरा खा लेते बिना नमक को, और तुम जो बंदरा भालू लिया और हमें हरा दो तुमने,
तुम अगर जाकाओ के तुम्हारे संगे लक्ष्मण तो हमाओ लड़का मेघनाथ भी कम नहीं है। तो चला इंद्र जित अतुलित चोधा, इंद्र को जीतने वाला मेरा बेटा, तुम रूखो भी मार दो। राम तुम अगर पूजा पाठ की बात करो तो तुम्हें रामेश्वरम पे शंकर जी को बुलाने पड़ो, और हमारी डमरू ने बजाती और शंकर जी कहूं हुए गदबद देके आती कि वो भोग लगा रहा उसको खाया है दुष्ट है। और ऐसा वैसा विद्वान नहीं था महाराज जी रावण। रावण से कौन कहीं पूजा करो कह लोग हम को मंत्रों से पूजा कर ही नहीं सका। बोले फिर बोले हम पूजा भी कर रहे हैं तो अपने मंत्र बना के कर रहे। शिवतांडव बनाओ ने अपनों खुद को, उनका ही हमें वेद में से मंत्र ही नहीं चाहिए हमारे शंकर जी की पूजा को, हम स्वयं की रचना करके पूजा करेंगे। तो राम फिर मेरी हार कहां हो गई। और राम जी कुछ बोलते उसके पहले रावण खुद बोल पड़ा कि मैं बताता कि कहां चूक हो गई हमारी। बोले कहां राम, तुम चरित्रवान थे और मेरा चरित्र ठीक नहीं था, बस यहां कमी रह गई। तुम चरित्रवान थे राम जी का स्वभाव क्या था। बोले जे ही सपने पर नारी ना हेरी। राम जी ने स्वप्न में पर नारी का चिंतन नहीं किया। और रावण क्या करता था, जीत जीत ले बाहुबल यक्ष नाग कुमारी। बस राम यहां मैं चूक गया और यहां तुम्हारी विजय हो गई। तो रामचरितमानस यह चरित्र प्रधान ग्रंथ है, यह चरित्र का निर्माण करेगा। और एक बात और सुन लेना, जैसे व्यक्ति चित्र देखता है, जैसे व्यक्ति चित्र देखता है वैसा उसका चित्त हो जाता है, और जैसा व्यक्ति का चित्त होता है वैसा ही व्यक्ति का चरित्र हो जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें चित्रों को संवारना है। अपने घर में जो चित्र लगे हैं वे संवारो, भगवान के चित्र लगाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, घर में कभी राम वनवास की फोटो मत लगाना, उस घर में समस्या कोई खत्म नहीं कर सकता। राम जी वनवासी के रूप में हैं और अगर किसी के भी घर में वो तस्वीर लगी है तो मंदिर में रख दो या बहते जल में विसर्जित कर दो। अरे कबे राम राजा वनवासी बने, 14 साल उनको वनवास कट गओ, तुम आज तक उनको ही रूप में बैठा रहे। और जिसके घर में राम उदास होंगे वो घर कहां तरक्की करेगा। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतने लोगों में एक जने उठ के खड़े होके हमारी बात झूठी कर दियो, आज ने कर पाओ तो अब 5 दिन और आ हैं हम। जे के घर में जीना के नेचे होदी बनी होए, वो आदमी उठ के खड़े हो जाओ कि हमारे घर में परमानेंट एक आदमी बीमार नहीं है, हो जाओ खड़े। जे के घर में जीना के नेचे होदी बनी होए, उठ के खड़े हो जाओ कि हमारे घरे बनी है और हमारे घरे सब स्वस्थ हैं, दवाई चलते ही नहीं हमारे घर में। आज नहीं तो 5 दिन को मौका दे रहे। वो कहूं जीना के नेचे होदी बनाए हो, आज ही खाली करके देख लियो तुम, 1 हफ्ता में पता पड़ जाए घर की दवाई बंद होने लग धीरे धीरे। जैसे ही होदी की सीण खत्म, तुम्हारे घर की बीमारी खत्म। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति ऐसा उठ के खड़ा हो जाए जे को घर को पलका,
एना में दिखात होए, गुरु के घरे लड़ाई ने होत होए, हो जाओ खड़े दम है तो।